तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं पावर बीआई, और ये पावर बीआई की हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन दिया था कि पावर बीआई यूज क्या है उसका और क्या बेनिफिट्स है, कैसे इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक रिपोर्ट बनाने के लिए एक्सेल से बेटर एक कैसे। पावर बीआई शुरू करते हैं। जैसे पावर बीआई आप ऑन करेंगे, आपके सामने इस तरह का पहला विंडो आएगा, लेकिन यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी साइन इन कर चुका हूं। अगर नहीं करेंगे तो ये वीडियो वगैरह नहीं दिखेगा, साइन इन करेगा। तो फर्स्ट जो वेलकम विंडो आता है उसमें इस साइड में आपके पास डेटा आते हैं, करेक्टिंग डेटा आते हैं, एग्जिस्टिंग ओपन वगैरह आप डेटा ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पावर बीआई की ट्यूटोरियल्स वीडियोज है, और यहाँ पे इसके फॉरम में व्हाट न्यू, इसके ब्लॉग पे चले जाएंगे, इसके फॉरम जो कुछ पूछना है ब्लॉग वगैरह में, ट्यूटोरियल वगैरह में जा सकते हैं। मतलब कि पावर बीआई खुद ट्यूटोरियल भी प्रोवाइड करता है, समझे? ओके सर। अब ये बात बताने वाली लाइक नहीं है एज ए टीचर, क्योंकि ये मैं बता दूंगा तो फिर मुझसे कोई पढ़ने नहीं आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि पावर बीआई में इन्होंने ऐसा इतना दिया हुआ है जिससे आप यूज कर सकते हैं, नॉट एक्सपर्ट। एक्सपर्ट बनने के लिए तो कोई ना कोई चाहिए, या फिर लंबा टाइम चाहिए प्रैक्टिस की खुद से। तो इसको आप यहाँ से गेट डेटा डायरेक्ट क्लिक कर दे सकते हैं, या फिर रिसेंटली जो फाइल आपने बनाई है उसको ओपन कर सकते हैं, अन्यथा इसको आप यहाँ से क्लोज कर दें। अब इस विंडो को समझे क्या है, राइट? यहाँ पे पेजेस है, जैसे एक्सेल में सीट आप इंसर्ट करते थे ना, यस सर, वैसे यहाँ पे आप पेजेस को इंसर्ट कर रहे हैं। ओके। और यहाँ जो आपको दिख रहा है एक कैनवस एरिया बोला जाता है। अभी जैसे यहाँ पे ऐड डेटा रिपोर्ट दिख रहा है ना, जैसे मैं कोई डेटा ऐड करूंगा ए गायब हो जाएगा, यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा। यस सर। व्यू के तीन तरह के व्यू, जैसे एक्सेल व्यू होता है ना सर, पेज लेआउट, पेज ब्रेक एंड वेब व्यू। यस सर। नॉर्मल व्यू, सॉरी, यहाँ पे व्यू है सर, ये आपका आता है रिपोर्ट व्यू। अभी जो आप देख रहे हैं रिपोर्ट व्यू है आपका। okay. ये आता है आपका डेटा मोडल, डेटा व्यू, इसमें आपके सारे डेटा दिखते हैं। ये आपके डेटा मॉडल व्यू, मतलब कि अगर चार पांच, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं कि आप एक डेटा ही डालें, आप कई सारे शीट्स, कई सारे डेटा फाइल इंक्लूड कर सकते हैं, तो उनको आपस में रिलेटेड जो रिलेशनशिप क्रिएट करना है वो यहां से रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है। तो तीन तरह के व्यू है, तीनों व्यू में अलग अलग टूल्स आते हैं। इसके बाद यहाँ पे फिल्टर्स और विजुलाइजेशन, मतलब कि आपको जो बनाना है, यहाँ पे फील्ड होता है जो कि कुछ नहीं है, डेटा इंक्लूड होता है। जैसे पिवट टेबल में फील्ड कैसे होता है, आपको फील्ड उठा कर रखना है, बाय डिफॉल्ट टेबल होता है, उसके बाद अपना जो चार्ट चाहिए, जिस तरह की विजुलाइजेशन चाहिए उसमें एक्सेल में कन्वर्ट कीजिए, उनकी फॉर्मेटिंग कीजिए, अगर उस पर फिल्टर की जरूरत है तो फिल्टर लगाइए। सिंपल सा फंडा है इसका। क्लियर है? क्लियर। अब चलिए हम कुछ रिपोर्ट, कुछ डेटा ऐड करना सीखते, क्योंकि मेन चीज क्या है हमारा, डेटा को इंपोर्ट करना। डेटा इंपोर्ट जो है एक काफी ज्यादा यूजफुल पार्ट है, ठीक है सर? ओके। तो डेटा को इंपोर्ट करना सीखते हैं इंसर्ट में, नहीं माफ कीजिए, इंसर्ट इसी में हमारे पास, यहां से भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सेल, एसक्यूएल और अदर डेटा सोर्स भी है। इसके अलावा गेट डेटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ भी मिलेगा आपको डेटा। मैं डेटा इंपोर्ट नहीं करना चाहता हूँ, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करना चाहता हूँ, समझे सर? ओके सर। मैं चाहता हूँ डेटा किसी और सीट पे से ना आए, मेरे पास डेटा है, मैं इसी में डायरेक्ट डाल देना चाहता हूँ या क्रिएट करना चाहता हूँ। तो एंटर डेटा पे क्लिक करेंगे तो आपको एक माइक्रोसॉफ्ट का टेबल का स्प्रेडशीट का फॉर्मेट दे देगा। यहाँ पे आप चाहो तो बना सकते हो, मैं एक बार बनाना बता देता हूँ कैसे बनाना है। जैसे कि मैंने यहाँ दे दिया नेम, जैसे आप एक्सेस में बनाते थे ना सर। ओके। एंट्री आप करते जाइए,
तरह से एंट्री कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कॉलन है, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। अब उसके बाद यहाँ टेबल का नाम है, जो नाम देना चाहते हैं नाम डालिए और यहाँ से लोड कर लीजिए। जैसे पिवट टेबल में डेटा लोड करते थे तो उसका फिल सॉरी कॉलम हेडिंग आ जाता था ना सर, यहाँ कॉलम की हेडिंग आ जाएगी। हाँ सर डेटा लोड हो रहा है, डेटा लोड हो गया सर। अब मान लीजिए कि आपको कॉपी पेस्ट करना है, मैं मुझे आपको टाइप नहीं करना है, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करना है। तो कॉपी एंड पेस्ट कैसे करेंगे? इसमें मेरे पास मान लीजिए डेटा है, तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए, एक एरिया को हमने सिलेक्ट कर लिया राइट, कॉपी किया और यहां एंटर डेटा पे गया, जस्ट आपको पेस्ट कर देना है, बाकी अपना सारा ले लिया सर। यस सर। देखिए क्या एक बड़ा सा लार्ज डेटा कॉपी किया जा सकता है, एक बड़ा सा लार्ज डेटा कॉपी किया जा सकता है, लेकिन नहीं, इसमें कॉपी का एक लिमिटेशन होता है सर। जैसे देखिए मैं बहुत बड़ा लार्ज डेटा है, मैं 3000 लार्ज तो नहीं है लेकिन सेमी लार्ज कर सकते हैं, 3900 का डेटा है सर, इतना डेटा भी ये हैंडल नहीं कर पाएगा। सर 3000 सेल्स ही ले पाता है। ओके 3000 सेल कॉलम और रो नहीं सर, सेल। यस सर समझ गया ना। तो डेटा छोटे मोटे डेटा को हम कॉपी कर सकते हैं, छोटे मोटे डेटा मतलब कि कुछ ऐसे होते हैं ना कमीशन टाइप की कमीशन वगैरह, उस तरह के डेटा हम इसमें डालते हैं। ओके क्लियर है? अब चलते हैं बात करते हैं कि इसमें कितने तरह का डेटा ऐड होता है। तो गेट डेटा में आते हैं मोर पे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको पूरा दिख जाएगा कि किस तरह का डेटा आता है। यहाँ देखिए ऑल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ अलग अलग कैटेगरी है फाइल, अगर कि कोई पर्टिकुलर फाइल लेते हैं तो आप एक्सेल फाइल को डाल सकते हैं, टेक्स्ट सीएसवी को डाल सकते हैं, एक्सएमएल डाल सकते हैं, जेसन फाइल डाल सकते हैं, कोई एक फोल्डर डाल सकते हैं, पीडीएफ और ये शेयरपॉइंट एक नया आया है सर, ये परक्यूट, ये चीज आप एक फाइल फॉर्मेट में डाल सकते हैं सर, ठीक है। अगर डेटाबेस की बात करें तो इतने तरह की डेटाबेस को कनेक्ट किया जा सकता है। डेटाबेस इट मींस और ये जो डेटाबेस है और मान की डेटाबेस आपके सिस्टम में लोकल होस्ट में पढ़ाया तो समझे। ओके तो ये आपका डेटाबेस आप इस तरह से आप इंक्लूड कर सकते हैं, इससे बहुत सारे डेटाबेसेस हैं। अब आती है पावर प्लेटफॉर्म, पावर भी आगे खुद डेटा शीट्स वगैरह होते हैं आपने ले रखे हैं तो आप यहां से इंक्लूड कर सकते हैं। अजूरे आपका पास अगर अजूरे डेटा सर्विस ये है, अजूरे सिस्टम है तो वहां से आप इस तरह से ले सकते हैं। उसके बाद आता है ऑनलाइन सर्विसेज, हमने यहाँ पे बताया था डेटा शीट में जो कि आपके लोकल लैन पे है। अब यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेट से कनेक्टेड जो डेटाबेसेस है वो जैसे कि आपका शेयर पॉइंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज हो गया, आपका 365 ऑनलाइन हो गई, डायनेमिक एनवी आ गया, डायनेमिक बिजनेस सेंट्रल आ गया, दिख रहा है सर, माइक्रोसॉफ्ट जूड़े, गूगल एनालिटिक्स, सेल्सफोर्स, ये सेल्सफोर्स डायरेक्टली कनेक्ट होता है सर्वर से ऐसा? जी 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 जी, लिंक्डइन,
समझे सर, ओके सर, ये ऑनलाइन है। इसके बाद जो कैटेगरी से बाहर है, किसी किसी कैटेगरी नहीं है, वो यहाँ आता है। जैसे बैम, जैसे आपको ये ले लीजिए ना, आपका ये एनएसई इंडिया हो गया, मनी एक्सचेंज हो गया, इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं वहां से हाँ डेटा लेना, हाँ या और भी बहुत सारे ऐसे डेटा सर्विसेज हैं वहां से डेटा लेके आना, या वो डेटा फीड आ गया, एक्टिव डायरेक्टरी आ गई, एक्सचेंज आ गया, हडूप की फाइल लेना है आपको ले सकते हैं, स्पार्क है, आर्स, यहाँ पे डायरेक्ट आर और पाइथन की स्क्रिप्ट चला सकते हैं, ओडीबीसी कनेक्टिविटी कर सकते हैं आप, ठीक है सर, या ओके बैंक क्वेरी यहाँ से रन कर सकते हैं। क्लियर है सर, ये सर, कोई डाउट है मैं इसमें? नहीं, मतलब डीएससी या एनएससी का कोई डेटाबेस से कनेक्ट कर लेते हैं ऑनलाइन, तो यहाँ पे हम एनालिटिक्स किसी रिपोर्ट बना सकते हैं ना ऑनलाइन। आप चलिए कनेक्ट करते हैं, ठीक है सर, अभी तो बताया मैंने, अब एक्सेल से मान लीजिए हम डेटा को कनेक्ट करते हैं, तो हम यहाँ पे आते हैं, एक फाइल लेते हैं, एंड ओपन करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई डेटा फाइल को कनेक्ट कर रहे हो तो डेटा फाइल होना चाहिए, जैसे कि उसकी हेडिंग जो है पहले रो में होनी चाहिए, हेडिंग परफेक्ट होना चाहिए, डेटा टाइप भी सही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप डैशबोर्ड पे ले रहे हैं, ठीक है सर, नन 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 कुछ दिखा दिया ना आपको सर, या सपोर्ट को देख लीजिए, दिख रहा है सर, डेटा फॉर्मेट में नहीं था, ये ऐसी रिपोर्ट फॉर्मेट, इसे डेटा को डेटा फॉर्मेट में होना चाहिए। दूसरी चीज, आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे इसका प्रीव्यू तो दिखेगा, बट ये लोड और ट्रांसफॉर्म का एक्टिवेट नहीं होगा। एक कब एक्टिवेट होगा? जब इसके चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, ओके? और ओके आप एक साथ कई डेटा सीट को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट सर? ओके अब यहाँ पे एक लोड आता है, एक ट्रांसफॉर्म आता है, अगर लोड करते हैं तो डेटा आपका यहाँ पे लोड हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म करेंगे तो सीधे पावर क्यूरी पे चला जाता है। ऐसा पावर क्यूरी पे क्यों जाता है, क्यों कर ले जाते हैं, ट्रांसफॉर्म क्यों करते हैं? कभी कभी क्या होता है कि आपको कोई डेटा नहीं चाहिए होगा, कुछ डेटा में एडिशन करना है आपको, जैसे अभी आपका डेट दिख रहा है, आपको लग रहा है डेट इस फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, तो आपने ट्रांसफॉर्म पे गए, डेटा टाइप डेट, डेट ही है, और यहां पे हम कन्वर्ट कर देते हैं ईयर में, ईयर में आगे कन्वर्ट हो गया सर। यस सर, तो इस तरह की चेंजिंग वगैरह करने के लिए आप यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है, यहां से इसको हटा भी सकते हैं। कुछ चेंजिंग करना है, कोई कॉलम से सीआईडी या कॉलम में डिलीट करना चाहते हैं, राइट क्लिक करके यहां से इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट नहीं से यहाँ पे रिमूव है, ठीक, ओके तो न कर सकते हैं। उसके बाद आफ्टर दैट यहां से आप वापस क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करें, होम पे आके ये आपका वापस इसमें आ जाएगा।
तो लोड करते हैं तो ये एक्सेल की फाइल नहीं, किसी भी फाइल में अगर आपने लोड कर दिया तो डायरेक्टली लोड हो जाएगा, अगर आपने लोड एंड क्लोज किया तो फिर वो ट्रांसफॉर्म किया तो फिर आपको पावर क्वेरी पे जाएगा और वहां पर आपको करेंगे। अब यहाँ पे देखिए पूरा डेटा आपका आ गया, ये अलग अलग शीट है तो मैं इस वाले पे क्लिक करता हूँ, इसको दोनों सीट यहाँ पे दिखेगा सर। अब यहाँ पे भी कुछ चेंजिंग करनी है, मैंने यहाँ पे कोई डिलीट विलीट भी करनी है, चेंज करना है तो यहाँ भी आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा पावर भी अगर कोई भी चेंजिंग करते हैं तो आपकी तो ओरिजिनल डेटा है जहां से आया है वहां पे किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा सर। ओके, वहां किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है सर। मतलब वो डेटा को अपने मेमोरी में स्टोर करके फिर प्रोसेस करना जी, जस्ट लाइक पिवट टेबल। हाँ सर, यस सर। तो आप किसी भी तरह के डेटा टाइप को अगर इस एक्सेल में इंपोर्ट करते हो तो आपका डेटा भी इंपोर्ट होता है, उसके बाद आप यहाँ पे पिवट टेबल की तरह से आप इसमें विजुलाइजेशन में अपना रिपोर्ट बनाओ। ठीक है, यस सर। यहाँ से अपने मर्जी से जो जैसा रिपोर्ट चाहिए उस तरह का रिपोर्ट आप बना सकते हो। क्वांटिटी दिया, अब मुझे इसको विजुलाइजेशन में ये चाहिए तो इस पे क्लिक कर दिया, विजुलाइजेशन चेंज हो गया मेरा। ठीक है, और इसकी फॉर्मेट तो इस बार इस पे एक बार आगे बढ़ने से पहले आप इस पे आरएनडी करें, रिसर्च करें, फिर आगे की चीजों पे पढ़ेंगे।